हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी आप एडमिशन से पहले यही सोच रहे होंगे कि मैं बी फार्मा करूं या बीएससी नर्सिंग करूं। यहां आके स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि किस में करियर स्कोप अच्छा है, मुझे जाना तो मेडिकल फील्ड में ही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनका क्लैरिफाई नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो वो आते हैं कि या तो मैं फार्मा फील्ड में जाऊँगा या नर्सिंग की साइड जाऊँगा। दो ही ऑप्शन उनके पास बेस्ट रहते हैं इस फील्ड में आगे मूव करने के। ठीक है जी, तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं क्या सजेस्ट करूंगी, मैं दोनों में डिफरेंशिएट आपको बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है जी, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहाँ पे हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्मा की, और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां आपको मिलता है, जाके उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी, लेट्स बिगिन। बी फार्मा वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने ट्वेल्थ में पीसीएम से किया है पास आउट, या फिर पीसीबी से किया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपनी ट्वेल्थ पास आउट की है। तो पहला डिफ्रेंशिएट यही आपको समझ में आ गया। अब जो स्टूडेंट मैथ से पास आउट हैं तो उनके लिए ये वाला जो पोर्शन है वो तो खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि भाई कौन सा कोर्स कितने साल का है, तो साल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, ये भी 4 साल का है, ये भी 4 साल का है। उसके बाद आ जाता है कि जॉब्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट सेक्टर में किस में ज़्यादा है, प्राइवेट में किस में है। तो फार्मा में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं, कभी इस कंपनी में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें। लेकिन आपका जो नर्सिंग है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती है। मतलब अगर एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट है, अच्छी खासी तैयारी कर रहा है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहा है, तो उसे गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाएगी। कोई ज़्यादा भागदौड़ इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप इसमें आराम से हो जाओगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो देखो, मेरा मानना ये है कि फार्मा फील्ड में आपके पास पॉजिटिव ये होता है कि भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, गवर्नमेंट में उतनी नहीं है। आई एग्री, मैं इससे एग्री करूँगी, क्योंकि एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ जहाँ 20 चाहिए होंगे, वहाँ फार्मासिस्ट सिर्फ एक चाहिए होगा, तो यहाँ रेशो जो बनता है वो 20:1 का बनता है ना, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो आप समझिए कि क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है। अगर आपको नॉलेज अच्छी खासी है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो 110% आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे, अच्छी जगह आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, अच्छी जगह आप कहीं ना कहीं अपॉइंट कर लिए ही जाओगे। डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको जानकारी कितनी है, आपके स्किल्स कितने मजबूत हैं। उसके लिए आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर टीचर्स डेली आपको हर सेमेस्टर में 4 से 5 घंटे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाती है। अभी भी पेन किलर बैच में एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें 10 से 12 घंटे लगातार लाइव क्लास चलेगी हमारे मैराथन क्लास के अंदर। अभी डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे लाइव क्लास चल रही है ऑलरेडी। डी फार्मा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर जी पैट नाइपर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बी फार्मा फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर का कोर्स, हर एक ईयर का कोर्स, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एग्जिट एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, सबके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। जाइए, विजिट कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज तो अभी फ्री भी हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं लास्ट में सेल्फ एम्प्लॉयड की। तो फार्मा में ये है कि अगर आप अपनी बी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हो, तो भाई आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, होलसेल भी, रिटेल भी, खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी खोल सकते हो, खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो आप। किस में आप ई फार्मेसी भी चला सकते हो, तो इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड
मतलब हो सकते हो, इसमें आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो फार्मेसी में। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नर्सिंग की, तो ये आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, कम्प्लीटली आपको जॉब के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल में अगर आप एक नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो तो हॉस्पिटल में आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, वही आपका प्रोफेशन है। ठीक है, आई होप आपको डिफ्रेंशिएट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बी फार्मा करना है या फिर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी या फिर दूसरी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।